आज कानपुर नगर में जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष सुनील वाल्मीकि के द्वारा एक ज्ञापन प्रेरित किया गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिला प्रयागराज थाना फाफामऊ गोहरी गांव में पुलिस प्रशासन की लापरवाही से दबंगों द्वारा दलित परिवार की निर्मम हत्या हो जाने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बाद दबंगों को फांसी की सजा कराने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक रोड मार्च करके ज्ञापन प्रेरित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित दिनेश दीक्षित, मुकेश पांडे, चंद्रपाल, नीरज तांबे, विकास सोनकर, मनोज वर्मा, छोटे वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। झंडा दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो की मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो की मोदी पार्टी जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी दलितों पे अत्याचार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलितों पे अत्याचार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जाति और तुरंत चरम पर और घोर निंदनीय है। कानून से किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। वाल्मीकि समाज आपसे यह मांग करता है तथा कर्मियों को बर्खास्त या भविष्य में इस पर उत्तर प्रदेश के हर जिला पर भीषण आंदोलन करें। मैं सुनील वाल्मीकि SC ST का जिला अध्यक्ष हूँ। आज कार्यक्रम किया गया जिस तरीके से एक हफ्ता पहले प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हुई थी और कल के दिन फिर दलितों की हत्या हो गई फाफामऊ में, आजमगढ़ में। ये क्यों हत्या क्यों हो रही, क्या कारण है ये का? इस सरकार ने, प्रशासन ने, बदमाशों ने इसी समाज को टारगेट बना रखा है और इसी समाज की हत्या करता रहता है। आए दिन रोज हत्या हो रही है प्रयागराज में, फाफामऊ में। वो लोग FIR कराने गए जिनकी हत्या हुई, थाना अध्यक्ष गुल्ली डंडा खेल रहे, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं। पुलिस की लापरवाही, क्योंकि वो पुलिस भी, प्रशासन के लोग भी सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं और सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से रोज नए एक दिन सुबेरा होता है, पेपर में रोज दलित की एक हत्या हो जाती है। आज हम लोगों ने मांग करी है उत्पीड़ित परिवार को न्याय मिले और न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। जिन लोगों ने हत्या की है उनको फांसी की सजा मिले और जो पुलिस वालों ने FIR नहीं की थी उन पुलिस वालों को निलंबित करें, बर्खास्त करें, उनको भी सजा मिले। जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी, नहीं जागेगी तो इसी तरीके से हत्या होते हैं। और सरकार को बता देना चाहते हैं, आपके जो मुखिया थे, देश के युवराज, जिन्होंने दलितों के पैर पोछा था, साफ किया था, आज उन्हीं दलितों की हत्या हो रही। रोज दलितों पर हत्या हो रही, डेली हो रही है और सरकार कोई एक्शन नहीं रही है, नहीं रुका तो हम लोग ऐसे सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे। अभी तो मेरा शुरू से ये हुआ है। आप लोग कहाँ से कहाँ पैदल? आज हम लोगों ने चुन्नीगंज मंदिर, शनिदेव मंदिर से जुलूस उठा के बाबा भीमराव अम्बेडकर तक गए थे। वहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था और ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं उनकी सुनवाई नहीं भाई, क्योंकि अभी हाल ही में महीना भर भी नहीं हो गए, घाटमपुर के पहले एक दलित और मार दिया गया था। रोज दलित मारे जा रहे तो हम लोग मांग करते हैं उस परिवार को न्याय मिले। इसके द्वारा ज्ञापन दिया गया ये? हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देना था तो प्रशासन के लोगों ने कहा, उनको ज्ञापन प्रशासन के जो DSP होते हैं, जो भी उनके अधिकारी होते हैं, उनके हाथ में ज्ञापन दिया हम लोगों ने और मांग करी, उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग ये